हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। कल भारत के विंग कमांडर यानी भारत के वीर अभिनंदन पुनः भारत लौट आए हैं पाकिस्तान से। और लेकिन दोस्तों, अभी तक वह अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान से उनकी एंट्री फिर से भारत में हुई तब वह काफी ज्यादा थके हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उनका सीना गर्व से चौड़ा था और मुंह पर सिर्फ एक ही नाम था, भारत माता की जय। दोस्तों बता दूं कि विंग कमांडर अभिनंदन द्वारा ये इस पूरी जांच की गई कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या था, आखिरकार वह कैसे पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान में कैसे क्रैश हुआ उनका विमान, और आखिर पूरी घटना क्या हुई थी, इसके बारे में उन्होंने बताया, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर पूरी घटना क्या थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में आते ही उनको अभी काफी सारे सवाल जवाबों और काफी सारे टेस्ट से गुजरना होगा, क्योंकि भारतीय जो संस्था है उनके द्वारा ये चेक किया जाएगा कि कहीं पर अभिनंदन जी का ब्रेन वॉश नहीं कर दिया गया हो, और मेडिकल टेस्ट होना है उनका, क्योंकि जिससे ये पता लगा जा सके किसी नशीली पदार्थ या फिर ड्रग्स वगैरह की मात्रा तो नहीं है उनके शरीर के अंदर, जिसके कारण उनकी बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाए या फिर बाद में उनकी मौत हो जाए। ऐसे में इनसे पूरी उनकी जाँच की जाएगी कि आखिर कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई है उनके साथ, या फिर उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार तो नहीं किया गया जिसके बारे में अभिनंदन हमें नहीं बता रहे। तो ऐसे में पूरी जांच की जाएगी, उसके बाद अगर सब कुछ सही निकलता है तो ही अभिनंदन अपने ड्यूटी पर फिर से लौट पाएंगे और फिर से अपने कमांडर की भूमिका निभा पाएंगे। बात करें कि आखिरकार हुई क्या थी पूरी घटना, आखिरकार कैसे पहुंचे थे विंग कमांडर अभिनंदन हमारे भारत की वीर पाकिस्तान की सरहद में। दोस्तों बता दूं कि अभिनंदन जब भारत द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान पीओके और पाकिस्तान के अंदर ही 80 किलोमीटर तक जाकर, उसके बाद भारतीय वायुसेना को यह पूरा तरह से सतर्क कर दिया गया था कि पाकिस्तान इसका पुनः जवाब देगा और कोई भी हमला फिर से कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार थी और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की ओर से 3 वायु विमान भारत की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में भारत द्वारा प्रतिक्रिया करते हुए MiG-21 में, जो अभिनंदन द्वारा MiG-21 में उस समय उड़ान भरी पाकिस्तान की विमानों को जवाब देने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो विमान आया था वह था F-16, जो कि अमेरिका द्वारा भारत को पाकिस्तान को दिया गया है खुद की आत्मरक्षा के लिए और ना कि किसी पे हमला करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने उसका यूज किया और एक बड़ी संधि को तोड़ दिया उस विमान का यूज करके भारत के खिलाफ। और ऐसे में अभिनंदन ने अपने MiG-21 से उनके एक वाहन पर हमला किया और एक को खदेड़ते हुए और 2 के पीछे भागे, एक को तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया, लेकिन 2 को पीछे करते हुए वह LOC को पार कर गए। लेकिन दोस्तों LOC को पार करने के बाद जब उनका विमान क्रैश हुआ, पाकिस्तानियों द्वारा उन्हें शूट आउट किया गया तो उनका विमान क्रैश हुआ और वह गिर पड़े। ऐसे में जब वह नीचे गिरे तो उनको लगा कि वह भारत की भूमि पर ही है और वह वंदे मातरम के नारे लगाने लगे, यानी भारत माता की जय नारे लगाने लगे। लेकिन जब उन्होंने आसपास का माहौल देखा और देखा कि आसपास का जनसमूह पाकिस्तानी नजर आ रहा है, तो ऐसे में उन्होंने अपने जो भी जरूरी कागजात थे उन्हें चबाना शुरू कर दिया। वह अपने सभी जरूरी कागजात को खाने लगे और कुछ को पड़ोस में ही दरिया में बहा दिया, और साथ ही उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट जो कागजात थे उन्हें ध्वस्त यानी मिटा दिया, उन्हें मिटा दिया ताकि वे पाकिस्तानियों के हाथ ना लग सके। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के जनसमूह ने उन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा उन्हें वहां से निकाला गया और अपनी कस्टडी में ले लिया गया। लेकिन हालांकि दोस्तों ये बात अभी तक सामने नहीं आई है, अभिनंदन जी का अभी तक पूरी तरह से तहकीकात जारी है, उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है कि क्या पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा, पाकिस्तान द्वारा उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार किया गया या फिर नहीं। लेकिन उनकी हालत को देखने पर तो ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार किया गया होगा। लेकिन दोस्तों ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है विंग कमांडर अभिनंदन द्वारा कि कहीं पर उनके ऊपर कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया, अगर किया गया तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल होगी। तो दोस्तों ये थी पूरी घटना। अब जो कि भारत के वीर यानी अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन पुनः भारत लौट आए हैं, तो पूरे भारत के लिए काफी बड़े गर्व की बात है। दोस्तों आई थिंक आपको पूरी ये घटना के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो भी पसंद आई, वीडियो में अपने विचार दीजिए, कमेंट में अपने विचार बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू।